উন্নত শ্রেষ্ঠ এবং সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ার ডাক দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত পাঁচ বছরে বিপ্লব কুমার দেব এবং মানিক সাহা নেতৃত্বে ত্রিপুরায় যে উন্নয়ন হয়েছে তা ট্রেলার মাত্র ছবি এখনো বাকি এমনটাই বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ত্রিপুরায় কমিউনিস্টদের খুন সন্ত্রাসের মতো কার্যকলাপ কারুর অজানা নয় বিজেপি সরকার গঠনের পর বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে কারুর ক্ষমতা হয়নি হিংসা করার সকলে ত্রিপুরা থেকে পালিয়েছে বলেও এদের মন্তব্য করেন অমিত শাহ और मैं आज त्रिपुरा की जनता को कहने आया हूं ये पांच साल में हमारे मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव और माणिक शाह जी ने त्रिपुरा का जो विकास किया है वो तो एक शुरुआत है पिक्चर का ट्रेलर है पिक्चर अभी आगे आना बाकी है कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा की जनता के 400 से ज्यादा लोगों पर सिर्फ दो साल में जानलेवा हमले किए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई विप्लव देव मुख्यमंत्री बने किसी की हिम्मत नहीं थी किसी की हिम्मत नहीं थी कि हिंसा करे हिंसा करने वाले यहां से पलायन हो गए पूरे त्रिपुरा को ड्रग और नशे का अड्डा बढ़ाकर रखा था बांग्लादेश से घुसपेटियों के लिए दरवाजे खोले थे भारतीय जनता पार्टी ने घुसपेट भी रोकी ड्रग भी रोका और युवाओं को रोजगारी की ओर ले जाने का काम किया है मित्र মানিক শাহকে রাজ্যের ভার দিয়ে মোদীজি বিপ্লব ভাইকে দেশের রাজনীতিতে নিয়ে গেছেন এবং এই স্বল্প সময়ে ত্রিপুরা প্রধানমন্ত্রীর সকল যোজনায় তৃতীয় স্থানে এসেছে বলেও এদিন দাবি করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানিক শাহজি মুখ্যমন্ত্রী বনে হমনে উনকো কাহা মোদীজি নে জব ইনকে হাত মে রাজ্য কি বাগদোর থামাই বিপ্লব ভাই কো দেশ কি রাজনীতি মে লে हमने उनको कहा कि यहाँ की यात्रा को आप आगे बढ़ाइए इतने कम समय के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार की सारी योजनाओं में त्रिपुरा छोटे राज्य में देश में तीसरे नंबर पर आया है तीसरे नंबर पर आया है माताओं भाइयों बहनों बहुत बड़ी उपलब्धि है कम्युनिस्ट सरकार थकले ले की माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नोतन हो तो की ত্রিপুরায় হিংসা শেষ হতো কি উন্নয়ন হতো কি এমন নানান প্রশ্নের উত্তর মানুষের কাছে এদিন এদিন জানতে চান তিনি আরও বলেন যে মোদীজির উপর ভরসা রাখুন ত্রিপুরা দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী রাজ্য হবে চাল সাল সাল জানে দিচ্ছে আপনা মা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ভি পুরি দুনিয়া দেখো काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर बनाया महाकाल कॉरिडोर बनाया सोमनाथ और तो अंबाजी का मंदिर सोने का हो रहा है माँ विंध्यवासिनी का मंदिर नया बन रहा है आज ही मुझे सीएम आसाम मिले थे वहां पर भी मां का मंदिर सबसे बड़ा और भव्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं मुझे बताइए अगर कॉम्युनिस्टों की सरकार होती तो माता बारी का मंदिर नया होता क्या जरा जोर से बोलिए होता क्या फिर से बोलिए होता क्या त्रिपुरा में हिंसा रुकती क्या विकास आता क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता क्या जवानों को रोजगारी मिलती क्या त्रिपुरा के अंदर माताओं के घर में गैस लाइट और शौचालय पहुंच सकता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पांच साल में इतना बड़ा परिवर्तन किया है और आज मां त्रिपुरा सुंदरी की भूमि पर मैं कहकर जाता हूं नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करिए पांच साल के बाद मेरा ये सुंदर त्रिपुरा प्रदेश প্রচারের পাশাপাশি জনসভা থেকে রাম মন্দির উদ্বোধনের তারিখ ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি জানান লোকসভা নির্বাচনের আগে খুলে যাবে রাম মন্দিরের তার এদিন অমিত শাহ জানিয়েছেন দু হাজার চব্বিশ সালের পহেলা জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে